Hello and namaste, myself Surajam Sahu from MindMagma, and in this video we are going to continue our topic methane and flame safety lamp. इस टॉपिक को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया था जिसमें पहले दो पार्ट्स बन चुके हैं. दिस इज गोइंग टू बी आवर पार्ट थ्री और इस टॉपिक के बाद हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा. इस टॉपिक के बाद हमारा फिनिश हो जाएगा एक और प्रेजेंटेशन के बाद. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. सो फर्स्ट आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम टेक्निक्स क्या क्या होते हैं कंट्रोल एमिशन के लिए, वो चीज को हम स्टडी करने वाले हैं. मीथेन ड्रेनेज के फॉर्मूला क्या होता है मीथेन ड्रेनेज का, उसको और उसके क्या क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन कार्बन का ऑर्डर क्या होता है, उस चीज को हम जानेंगे. और उसके बाद हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैम्प के बारे में समझने की कोशिश करेंगे. सो ये तीन चीजों को हम आज कवर करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. सो फर्स्ट टेक्निक्स टू कंट्रोल एमिशन, एमिशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स है उसको आज समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारे पांच हैं. इन पांचों ऑब्जेक्टिव के नाम है जैसे कि प्रिवेंशन, रिमूवल, अब्सॉर्प्शन, आइसोलेशन या डायल्यूशन. इनका ऑब्जेक्टिव यही रहता है. अभी इन ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग क्या क्या टेक्निक्स का यूज करते हैं उन टेक्निक्स को समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट इज प्रॉपर प्रोसीजर इन ब्लास्टिंग. अगर ब्लास्टिंग हमारी अच्छे से हो रही है तो हमारे जो भी गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक काइंड ऑफ सटल लिमिटेड कंट्रोलेबल लिमिट में हमारे गैस प्रोड्यूस होंगे. तो उसके वजह से ब्लास्टिंग अगर हमारी अच्छे से हो रही है, प्रॉपर प्रोसीजर है हमारा ब्लास्टिंग के लिए, तब हम एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं. सेकेंड इज मेंटेनेंस ऑफ आईसी इंजन. आईसी इंजन जो होती है उनको मेंटेन अच्छे से करना है ताकि वो ऐसे गैसेस प्रोड्यूस ना करे. एंड थर्ड इज अवॉइडेंस ऑफ ओपन फ्लेम. ओपन फ्लेम जो होता है उसको हम अवॉइड करके रखेंगे ताकि वहां से वो गैसेस एमिशन ना हो. सेकेंड इज रिमूवल, अभी निकालने का. पहले था प्रिवेंशन की कैसे हम इनसे बच सकते हैं. सेकेंड इज रिमूवल, रिमूव मतलब उसको निकाले कैसे. तो फर्स्ट इज ड्रेनेज इन एडवांस ऑफ माइनिंग, जैसे कि जो भी गैसेस होते हैं उसको ड्रेन आउट करना, वो चीज होता है हमारा फर्स्ट. जैसे कि हमने मीथेन ड्रेनेज के बारे में पढ़ा था. सेकेंड इज ड्रेनेज बाय ब्लीडर एंट्रीज. ब्लीडर एंट्रीज क्या होती है, जो एंट्रीज पैरामीटर के साइड में होती है उनको ब्लीडर एंट्रीज बोलते हैं. तो उसके थ्रू पे ड्रेनेज करवाना भी एक है हमारा रिमूवल. थर्ड इज लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन. एग्जॉस्ट वेंटिलेशन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि माइन वेंटिलेशन का बेसिक मतलब क्या होता है. माइन वेंटिलेशन का बेसिक मतलब होता है कि अंडरग्राउंड में जहां पे वर्किंग हो रही है वहां पे सफिशियंट एयर प्रोवाइड करे, और उसके साथ साथ जो अंदर कंटामिनेटेड एयर है, जो भी पॉल्यूटेड एयर है उसको निकाले और फिर उसको एग्जॉस्ट करे, तो उसको लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन बोलते हैं. तो निकालना रिमूव हो रहा है यहाँ पे भी. एंड फोर्थ इज वाटर इन्फ्यूजन इन एडवांस ऑफ माइनिंग, मतलब वाटर इन्फ्यूज या फिर वाटर इन्फ्यूज करके जो माइनिंग के टाइम पे हम करते रहे ताकि जो भी गैसेस है वो सेटल डाउन हो पाए. ये हो गया हमारा रिमूवल. नेक्स्ट इज अब्सॉर्प्शन. अब्सॉर्प्शन मतलब अब्सॉर्ब कर लेना. अभी इस टाइम पे कैसे होता है, इसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज होते हैं. तो फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन इन आईसी इंजन कंडीशनर. केमिकल रिएक्शन जो होता है हमारे इंटरनल कम्बशन इंजन में उसका कुछ कंडीशनर है, वो चीज है हमारा केमिकल रिएक्शन इन आईसी इंजन कंडीशनर. सेकेंड इज सॉल्यूशन बाय एयर वाटर स्प्रे इन ब्लास्टिंग. एयर वाटर स्प्रे इन ब्लास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई गैसेस ऐसे या फिर कोई भी मटेरियल अपने सराउंडिंग में फ्लोट कर रहा है तो उस पर एयर वाटर स्प्रे करते हैं, तो उससे क्या होता है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है जो भी गैस है और वो नीचे शटल हो जाते हैं. तो वो हो गया हमारा सेकेंड. फोर्थ इज आइसोलेशन. आइसोलेशन में क्या होगा, फर्स्ट इज सीलिंग ऑफ अबैंडन्ड वर्किंग ऑफ फायर एरियाज. फायर एरियाज जहाँ पे भी है उसको हम अबैंडन करेंगे, मतलब उसको सील कर लेंगे ताकि वहां से गैस एमिट ना हो. एंड सेकेंड इज रेस्ट्रिक्टेड ब्लास्टिंग और ऑफ शिफ्ट ब्लास्टिंग. इस चीज रेस्ट्रिक्टेड ब्लास्टिंग मतलब जहाँ पे ब्लास्टिंग जोन है उसको रेस्ट्रिक्ट करके ब्लास्ट करें, या फिर ऑफ शिफ्ट ब्लास्टिंग मतलब जब लोग काम नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम पे अगर हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो ऑफ शिफ्ट ब्लास्टिंग, ये रेस्ट्रिक्ट मतलब ये दोनों भी आइसोलेशन हम बोल सकते हैं. इनको अलग करा जा रहा है, आइसोलेट करके किया जा रहा है. तो ये है उसके बारे में. एंड लास्ट इज अबाउट डाइल्यूशन. डाइल्यूशन में लोकल डाइल्यूशन बाय ऑक्सिलरी वेंटिलेशन है हमारा, डाइल्यूशन बाय मेन वेंटिलेशन एयर स्ट्रीम है, या फिर लोकल डाइल्यूशन बाय डिफ्यूजर एंड वाटर स्प्रे. तो ये हो गया हमारा पांच ऑब्जेक्टिव और उसके क्या क्या टेक्निक्स यूटिलाइज, क्या क्या चीजें हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उसके बारे में. ये हो गया एक काइंड ऑफ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अभी मीथेन ड्रेनेज. मीथेन ड्रेनेज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो मीथेन ड्रेनेज हमारा होता क्या है इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था. इन दिस मीथेन ड्रेनेज का फॉर्मूला है, या फिर बोल सकते हैं हम गैस कैप्चर एफिशिएंसी क्या होती है. गैस कैप्चर एफिशिएंसी इज इक्वल टू गैस कैप्चर्ड बाय मीथेन ड्रेनेज. मीथेन ड्रेनेज के टाइम जब निकाल रहे हैं हम मीथेन को तो कितना गैस उसमें कैप्चर हुआ, बाय
गैस कैप्चर प्लस गैस एमिटेड इनटू वेंटिलेशन सिस्टम, कितना कैप्चर हुआ ऊपर हमारा प्लस हमारा कितना वेंटिलेशन सिस्टम से निकला है, उस चीज को हम ऐड करके उसको डिवाइड कर रहे हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि उसकी जो मीथेन ड्रेनेज के टाइम उसकी जो कैप्चर एफिशिएंसी कितनी है, वो चीज के बारे में ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन फॉर कार्बोनिफेरस स्ट्रेटा इज डन इन ऑर्डर टू, मतलब कि जो ऑर्गेनाइज एक्सट्रैक्शन है मीथेन का, जैसे हम मीथेन को ऑर्गेनाइज वे से निकाल रहे हैं कोई कार्बोनिफेरस स्ट्रेटा के लिए, तो उसका ऑर्डर कैसा रहता है? पहले इज प्रोड्यूस अ गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंड इज रिड्यूस मीथेन इमिशन इनटू माइन वर्किंग्स, या इसका पहला चीज क्या है कि गैसियस फ्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंड इज है हमारा कि जो मीथेन एमिशन है उसको बंद कर रहा है माइन वर्किंग में, या फिर इनको बोल सकते हैं कि ये दोनों चीज जो ऑर्गेनाइज एक्सट्रैक्शन है, ये दोनों चीज उसका मतलब यही चीज है, इसी चीज को पाने के लिए वो लोग कर रहे हैं। द ऑर्गेनाइज एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम कार्बोनिफेरस स्ट्रेटा इज डन इन ऑर्डर टू, या तो गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए, या तो मीथेन एमिशन को कम करने के लिए, या फिर इन दोनों चीजों को करने के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू ऑब्जेक्टिव्स। ये हो गया हमारा मीथेन ड्रेनेज के बारे में। नेक्स्ट इज अबाउट क्लीन सेफ्टी लैंप। क्लीन सेफ्टी लैंप का पहले हम पर्पस समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पर्पस क्या क्या होते हैं। तो पांच पर्पस है हमारे सामने। फर्स्ट इज डिटेक्टिंग मीथेन, मीथेन डिटेक्ट करने के लिए माइन इल्यूमिनेशन। थर्ड इज डिटेक्ट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस के शॉर्टेज को भी डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। फोर्थ इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अगर प्रेजेंस है उसके लिए भी हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैंप का यूज करते हैं। या फिर फिफ्थ है कि एस्टिमेटिंग ऑफ फायर डैम बाय एक्युमुलेशन टेस्ट या फिर परसेंटेज टेस्ट। इन दोनों टेस्ट के हिसाब से हम लोग फायर डैम को भी स्टडी या फिर पता लगाने की कोशिश करते हैं। फायर डैम हमारा क्या होता है? मीथेन प्लस ऑक्सीजन का एक मिक्सचर जो कि बहुत ही इनफ्लेमेबल गैस होता है। ये हो गया हमारा पांच पर्पज ऑफ FSL या फिर फ्लेम सेफ्टी लैम्प। सो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि इसके जो आप यहाँ पे लेफ्ट इधर राइट साइड में जो पार्ट देख रहे हैं आप, इस पार्ट्स में तीन पार्ट है। दिस इज लोअर पार्ट, दिस इज मिडिल पार्ट एंड दिस इज द अपर पार्ट। सो अभी इन तीनों का क्या क्या कॉम्पोनेंट्स इनके अंदर होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इज आवर लोअर पार्ट। अभी लोअर पार्ट क्या होता है, इधर क्या क्या चीजें होती है? एक होता है हमारा फ्यूल वेसल, फिर उसे एक बर्नर होता है, एक विक असेंबली होती है यहाँ पे, एक स्क्रू होता है, लॉकिंग अरेंजमेंट है जो भी, और एक रीलाइटिंग डिवाइस होता है अगर उसके अंदर अवेलेबल है तो। ये हो गया हमारे इस लोअर पार्ट में क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं, इस लोअर पार्ट में क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं। सेकेंड इसका फंक्शन क्या क्या होता है? फर्स्ट इज लॉकिंग अरेंजमेंट इज जनरली ऑफ मैग्नेटिक टाइप। जो लॉकिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे वो मैग्नेटिक टाइप का होता है। इट कैन बी ओपन ओनली इन द लैंप रूम, लैंप रूम में ही इसको ओपन कर सकते हैं। एंड वंस इट इज लॉक्ड इट कैन नॉट बी ओपन इन द अंडरग्राउंड। अगर इसको एक बार लॉक कर दिया गया है तो उसके बाद ये कभी भी क्या बोलते हैं उसको ओपन नहीं कर पाएंगे जब ये अंडरग्राउंड में है। ये चीज होगी हमारी फंक्शन एंड डिटेल हमारे लोअर पार्ट की। सेकेंड इज आर अबाउट आर मिडल पार्ट। मिडल पार्ट में क्या क्या होता है, हमारी क्या क्या चीजें होती है मिडल पार्ट में कॉम्पोनेंट्स? उसमें टू सेट्स ऑफ रिंग्स इंटरकनेक्टेड बाय फाइव स्टील रॉड्स, फाइव स्टील रॉड्स होते हैं, या फिर एक ग्लास होता है, मे बी वन और टू सेट इनर एंड आउटर, इधर जो दो ग्लासेस होते हैं। और उसमें क्या होता है, अराउंड द फ्लेम चिमनी, या फिर ये जो ग्लास को आप देख पा रहे हैं इसको बोल सकते हैं हम, और टू एस्बेस्टोस वॉशर्स होते हैं इसमें। ये मिडल पार्ट के कॉम्पोनेंट्स हैं। अभी इसका फंक्शन और डिटेल्स क्या होता है? इसका फंक्शन क्या है कि रिंग एंड रॉड कॉम्बिनेशन सर्व्स टू प्रोटेक्ट द ग्लास। जो रिंग और जो रॉड का कॉम्बिनेशन है ये ग्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। सेकेंड इज जो रिंग हैव होल्स, यहाँ पे जो होल्स आप देख सकते हो, ये जो होल्स को आप देख पा रहे हो, ये होल्स इसीलिए ताकि उसमें एयर अंदर जा पाए और एयर वहां से बाहर आ पाए। और चिमनी इज इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज द इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस्ड। एस्बेस्टोस वॉशर इज यूज्ड टू मेक असेंबली एयर टाइट। तो इसमें जो चिमनी दे रखा है वो बेसिकली एक इल्यूमिनेशन बनाने के लिए दिया है, इल्यूमिनेशन को बढ़ाने के लिए दिया है। और जो एस्बेस्टोस वॉशर्स हैं उसको यूज किया गया है ताकि वो जो असेंबली है जो चीज भी बनाए वो एयर टाइट हो जाए, बाहर से कुछ उसके अंदर ना आ पाए, वो कंप्लीटली टाइट हो जाए। ये हो गया हमारा मिडल पार्ट। थर्ड इज आर अपर पार्ट। अपर पार्ट में क्या होता है, हमारे कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है उसको अभी देखते हैं हम लोग। अपर पार्ट, अपर पार्ट में बेसिकली क्या क्या होता है, पहले तो एक बोनेट होता है, टू स्टील वायर गॉजेस जो 20 to 28 मेस के होते हैं, मेस साइज के, और एक हैंडल और या फिर हुक होता है जिससे हम लोग उसको उठाते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक अपर के कंपोनेंट्स। अभी इट इज द वायर गॉज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प एंड नॉट अलाउइंग द इग्निशन ऑफ मीथेन। ये जो वायर गॉज है यही चीज, ये चीज का ध्यान रख रहा है कि जो मीथेन गैस है वो जल लेगा, उसको रोक रहा है ताकि वो इग्नाइट ना कर जाए। इवन इफ द प्रेजेंट इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर, अगर वो उस जगह पे भी है जहां पे ये गैसेस अवेलेबल है, उस जगह पे भी वो उसको प्रिवेंट करता है।
कि वो जो मीथेन गैस है वो बर्न ना करे, एंड सेकेंड इज हैंडल सर्व्स द पर्पस ऑफ होल्डिंग द लैम्प व्हाइल डिटेक्टिंग मीथेन। मीथेन जब हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो हैंडल इट्स लाइक अ लैंटर्न, लैंटर्न जैसे हम लोग गाँव वगैरह में होता है वैसा ही है, तो उसी में एक हैंडल होता है जिससे हम लोग अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं जब हमको मीथेन को डिटेक्ट करना पड़ता है। तो दिस वॉज अबाउट आर फ्लेम सेफ्टी लैम्प। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इस टॉपिक में हमने तीन चीजें कंसिडर की। पहले तो हमने कंट्रोल एमिशंस को टेक्निक क्या क्या होती है, जैसे पांच टेक्निक हमने पढ़े, प्रिवेंशन, रिमूवल, अब्सॉर्प्शन, आइसोलेशन और डाइल्यूशन, इनके बारे में समझा। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने मीथेन रिलीज का या फिर गैस कैप्चर एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा कि गैस कैप्चर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है और हमारा ऑर्गेनाइज एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन क्यों होता है उसके बारे में हमने सोचा और समझा। और नेक्स्ट इज अबाउट आवर फ्लेम सेफ्टी लैम्प। हमने फ्लेम सेफ्टी लैम्प के जो नेम्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स है उसके अलग अलग उसके पर्पस क्या है पांच, वो चीजों को पढ़ा और हमने उसके कॉम्पोनेंट्स और उसके फंक्शन और डिटेल्स के बारे में देखा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग। थैंक यू फ्रॉम माइन।